हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्लाजो कटिंग और स्टिचिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 मीटर कपड़ा लिया है। हमें प्लाजो के लिए जितनी आपकी लंबाई है उससे 2 गुना कपड़ा हमें यहाँ पर लगेगा। सबसे पहले मैंने कपड़े को यहाँ इस तरह से 4 भाग में फोल्ड कर बिछा लिया है। देखिए, इस तरह से 4 भाग में आपको कपड़े को फोल्ड कर लंबाई में बिछा लेना है। इसके बाद हम सबसे पहले इसकी लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ के लिए आपको जितनी आपकी लेंथ रखनी है प्लाजो की, उसमें आप 2 इंच ऊपर, देखिए इस तरह से 2 इंच ऊपर हम बेल्ट के लिए निकालेंगे। देखिए, यहाँ हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। आप चाहे तो नाड़ा भी लगा सकते हैं। 2 इंच ऊपर आप पहले इलास्टिक के लिए एक्स्ट्रा निकाल दीजिए। उसके बाद आपकी जितनी भी लेंथ है यहाँ पर, उसमें 2 इंच प्लस कर ले लीजिए। देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर हमारी 38 इंच पर निशान लगा रही हूँ। हमारी जो टोटल लेंथ है वो 36 इंच है, तो इसमें 2 इंच में प्लस कर यहाँ 38 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और इधर हमने बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा अलग से निकाल लिया। देखिए, ये सबसे आसान तरीका है प्लाजो का। आपको इसमें किसी मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए, इस तरह से आपको आपकी कोई भी लेगी, जो आपके नाप की लेगी है वो लेनी है। लेगी हमारे सबके पास अवेलेबल होती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको लेगी से ही मेज़रमेंट कर बताऊं कि आपको लेगी रखकर किस तरह से निशान लगाना। देखिए, इस तरह बंद भाग की तरफ से लेगी को, जो बंद भाग होता है, देखिए एक तरफ तो इस तरह आसन का हिस्सा होगा और एक तरफ जो सीधा पार्ट रहता है बंद वाला भाग, उसको हम बंद भाग में, हमारे जो बंद भाग है कपड़े का, उसमें इस तरह अच्छे से प्लेस कर देना है। जिस तरह आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, ऐसे हम अच्छे से प्लेस कर देंगे। और जो ये हमारा आसन वाला भाग है, ये हमारा दूसरी साइड रहेगा खुले वाले भाग की तरफ। देखिए, और ये हमें जहाँ वहाँ अटैच करना है, देखिए इस तरह से हमने इसको अटैच कर दिया है। अब इसको रखने के बाद हमें कमर से इस तरह निशान लगा लेना है। जितनी आपकी लेगी है रखी है, वहीं से हमको इस तरह निशान लगा लेना है। इसके बाद हम इसमें 2.5 इंच में यहाँ प्लस कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लूज चाहिए प्लाजो, तो 3 से 3.5 इंच तक आप इसमें लूज कर सकते हैं। हमें बस यहाँ कमर और आसन में ही इसका लूज रखना है। देखिए, इस तरह से यहाँ ये आसन वाला हिस्सा हो गया हमारा। इसी तरह से 2.5 इंच हमने कमर से लगाकर आसन तक एक्स्ट्रा ले लिए हैं। देखिए, इस तरह से हमें 2.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर रख लेना है। आपको प्लाजो अगर लूज चाहिए तो आप 3 या 3.5 इंच का यहाँ पर लूजिंग रख सकते हैं। हमने यहाँ निशान लगा लिया है और हल्की सी गोलाई इसके अंदर दे दी है। अब इसके बाद हम, देखिए इस तरह से, इसके बाद हम यहाँ लंबाई पर निशान लगाएंगे। तो प्लाजो आप मोरी आप जितनी चौड़ा रखना चाहें, नीचे से प्लाजो चौड़ा ही होता है, तो जितना आपका कपड़ा हो या फिर जितना आप चौड़ा रखना चाहें उसे, उतनी मोरी आप यहाँ पर रख लीजिए। देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पर 11 इंच की मोरी रख रही हूँ। आपको जितनी मोरी चाहिए चौड़ी, उतनी आप यहाँ रख सकते हैं। प्लाजो में वैसे भी मोरी जो होती है वो चौड़ी होती है, तो आपका जितना भी कपड़ा है उतना पूरी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ 11 इंच पर निशान लगाया है। इसके बाद जो हमारा आसन वाला हिस्सा है, उसे हम इस तरह से मोरी से मिला देंगे। देखिए, इस तरह से हम 1 इंच टेप का कोना आसन पर रखेंगे और दूसरा मोरी के यहाँ रखकर इस तरह से तिरछा हम इसे मिला देंगे। देखिए, यहाँ हमने निशान लगा लिया है हमारा आसन का, और हमारा जो मोरी का निशान है उसे भी हमने लगा लिया है। बहुत ही आसान तरीके से आप किसी भी साइज़ का प्लाजो यहाँ रखकर ऐसे कटिंग कर सकते हो और बना सकते हैं। देखिए, हमने निशान लगा लिया। अब निशान लगाने के बाद यहाँ हल्की सी मैंने आसन में गोलाई दे दी है। अब हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर प्लाजो की कटिंग कर ली है। आपके पास इस तरह से 2 भाग आपको मिलेंगे कपड़े से। हमें यहाँ पर एक साइड जो हमारी बंद भाग होगी और एक साइड खुली भाग होगी। इस तरह से देखिए हमारे पास 2 पार्ट यहाँ पर मिलेंगे। अब हमें इन्हें अटैच करना है, तो सबसे पहले हम इसे आसन से अटैच करेंगे। दोनों पार्ट को हम इस तरह से एक साइड से पहले आसन से पकड़ कर अटैच कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से एक पार्ट को हम इस तरह से रखकर आसन से इन्हें
अटैच कर लेंगे। इसे अटैच करें, अभी हमने नीचे अटैच नहीं किया, इसे सिर्फ आसन से ही हमें जोड़ना है। इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी जोड़ लेंगे। देखिए हमने दोनों पार्ट को यहाँ आसन से जोड़ लिया। इसके बाद हम यहाँ पर मोरी की सिलाई लगाएं। देखिए अभी हमने नीचे से इसको नहीं जोड़ा है, हमें इस तरह से पहले मोरी को ओढ़ कर हम नीचे से सिलाई लगा लेंगे, इसके बाद हम इन दोनों लेग को जोड़ेंगे। इसी तरह से हम दूसरे वाले लेग पर भी नीचे बॉटम में सिलाई लगा लेंगे। जो हमारी मोरी देखी है, दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम इन्हें दोनों लेग को इस तरह से जोड़ देंगे। तो चलिए हम इन दोनों लेग को सिलाई लगा देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं और ऐसे वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। देखिए इस तरह से दोनों लेग को हमने जोड़ लिया है। आप भी आसानी से इस तरह से कटिंग कर अपना प्लाजो, रेडीमेड जैसे प्लाजो घर पर ही बना सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारा ये रेडी है। इसके बाद हम यहाँ पर बेल्ट लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने इलास्टिक लिया है। यहाँ इलास्टिक आपको आपकी कमर से 5 इंच माइनस कर लेना। जैसे आपकी कमर अगर 30 इंच है तो आपको 25 इंच यानी 25 इंच का ही लास्टिक यहाँ रखना है, आपकी कमर से 5 इंच कम। इस तरह से लास्टिक लेकर मैंने यहाँ पर दोनों छोर को जोड़ लिया है, उनके मुंह दोनों मुंह को जोड़ लिया है इस तरह से। देखिए अब इसके बाद हमें हमारा जो बेल्ट, देखिए इस तरह से हमें जहाँ हम बेल्ट को अटैच करना उस इस तरह से रख कर हम ऊपर वाले कपड़े को फोल्ड करेंगे। यहाँ हमें लास्टिक में सिलाई नहीं लगानी है, लास्टिक को बीच में रख कर देखिए इस तरह से कपड़ा हम फोल्ड करेंगे और एक बार और हम हल्का सा इसे ओढ़ देंगे। देखिए इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है, हमें बेल्ट पर सिलाई नहीं लगानी। जो नीचे हमने कपड़ा फोल्ड किया है उसके किनारों पर सिलाई लगानी है। अगर हम लास्टिक पर सिलाई लगा देंगे तो हमारा लास्टिक जो है खींचेगा नहीं, इसीलिए हमें इस तरह से फोल्ड कर दोनों कपड़ों पर सिलाई लगानी है, लास्टिक पर सिलाई नहीं लगानी है। तो चलिए हम इस तरह पहले लास्टिक अटैच कर लेते हैं इसमें। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर लास्टिक हमारा लगा लिया है। देखिए कुछ इस तरह से ही दिखेगा। आप चाहें तो इसे किनारों ऊपर किनारों पर भी इसमें सिलाई लगा सकते हैं, वरना आप इसे ऐसा ही छोड़ सकते हैं। प्लाजो यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। ये रहा हमारा फाइनल लुक प्लाजो का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।